हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं नित्यानंद सोनवाल, कक्षा पंचम, विषय हिंदी व्याकरण। भैया बहनों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ दो वर्ण विचार के विषय में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। ध्यान से आप देखेंगे, एक एक शब्द को आप देखिए। वर्ण यहाँ लिखा है, वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। किसी भी भाषा के पूरे वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखकर वर्णमाला बनाई जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। यहाँ खंड लिखा है, खंड माने होता टुकड़े, टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये वर्ण के विषय में, यानी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें हम वर्ण कहते हैं। अगला आया वर्णमाला। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में तीन प्रकार के वर्ण होते हैं। अर्थात जो वर्ण हैं वे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक में स्वर, हम उनको स्वर कहते हैं। नंबर दो आया अयोग, अयोग वाह। फिर नंबर तीन में है व्यंजन। ये वर्ण के भेद होते हैं। वर्ण माने अक्षर, अक्षरों के ये भेद हैं। पहला भेद है स्वर, फिर अयोग वाह और व्यंजन। ठीक है, अब स्वर किसे कहते हैं। स्वर जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, दोबारा देखेंगे, जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं हम, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। इन वर्णों को बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ये स्वर जितने होते हैं वो कितने होते हैं, 11। ये 11 स्वर होते हैं, जो इस प्रकार हैं अ आ ई ई उ ए री री ए आई ओ औ। इस प्रकार से ये 11 हैं। कितने हैं, 11 स्वर हैं। ठीक है, अब आया स्वर के भेद। अब इसमें भी जो है स्वर के भेद होते हैं। क्या होते हैं स्वर के भेद, उच्चारण के आधार पर स्वर निम्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का अर्थ होता है यहाँ पर छोटे छोटे स्वर। और नंबर दो है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर मतलब होता है बड़े बड़ा। ठीक है, ह्रस्व स्वर इसकी व्याख्या देखिए, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा या कम। बताया था मैंने अभी, ह्रस्व माने छोटा या कम। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर चार होते हैं, अ ई उ रि। तो इनको बोलने में इन कम समय लगता है, इसलिए इनको यह ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा या अधिक। जिन स्वरों के उच्चारण के लिए अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ में आया भैया बहनों, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं।
ये सात होते हैं, जैसे आ ई ऊ ए ऐ ओ औ। पहले हमने बोला था अ ई उ री, ये कम समय लगा इनमें, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इनको दीर्घ स्वर में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ऐसे इनका उच्चारण होता है। जो दूसरा आयत है इसमें अयोग वा, इसको ध्यान देने की बात है, इसको समझने की बात है। तो अयोग वा में अर्थात ह्रस्व स्वर से दुगुना हिंदी वर्ण वाले में भिन्न भिन्न ध्वनि होने के कारण अंग, ये अंग देखो, ये एक बिंदी छोटी सी बिंदी लगी है अ के ऊपर, और एक यहाँ पर जो चंद्र बिंदी लगी है अ के ऊपर, और अह जैसे इसको हम अह बोलते हैं, अ के पीछे दो बिंदी लगी है, अर्थात ये अ में एक छोटी सी बिंदी लगी है ऊपर गोल बिंदी, और दूसरे अ में ये चंद्र बिंदी लगी है, यानी चंद्रमा की तरह, आधा चंद्रमा की तरह ये बिंदी लगी है, और तीसरा जो अ है इसमें इसके पीछे दो बिंदी लगी है। का किसी से योग नहीं होता, यानी अन्य जो स्वरों से 11 जो स्वर हैं इनके साथ हैं, इनका योग नहीं होता, इसलिए इन्हें अयोग वाह कहते हैं। अंग को अनुस्वार, जब कोई वर्ण के ऊपर बिंदी लग जाती है तो उसको अनुस्वार बोलते हैं, और जो चंद्र बिंदी जब लग जाती है, चंद्र बिंदी को अनुनासिक, इसको अनुनासिक बोलते हैं। तथा अगर किसी भी अक्षर के पीछे दो बिंदी लग जाते हैं तो इनको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, एक बिंदी अगर लगती है किसी भी अक्षर के ऊपर उसको क्या कहते हैं हम, अनुस्वार। अगर चंद्र बिंदी लगती है किसी भी अक्षर के ऊपर उसको क्या कहते हैं, अनुनासिक। और अगर किसी भी अक्षर के पीछे दो बिंदी लग जाती है तो उनको हम कहते हैं विसर्ग। तो भैया बहनों, ये जो तीन शब्द हैं ये अयोग वाह में आते हैं। ठीक है, ये तीन अक्षर हैं ये अयोग वाह में आते हैं। अयोग वाह स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, इन्हें स्वरों पर उनकी मात्राओं के बाद लगाकर ही बोला जाता है। ठीक है, अनुस्वार, जैसे अनुस्वार ये बिंदी लगा के ऊपर, अनुस्वार यह वह ध्वनि है जिसका उच्चारण केवल नासिका से होता है। ठीक है, नासिका माने होता नाक के द्वारा, इसका उच्चारण वर्णों के पहले पांच वर्णों यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के अंतिम वर्णों के समान होता है, जैसे अंत, संतरा, नींद, सैंत आदि। ठीक है, अनुनासिक, ये चंद्र बिंदु जब लगती है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख में मुख के अनुनासिक में चंद्रबिंदी लगी है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से एक समय निकलती है तो लिखते समय वर्ण के ऊपर च
चंद्र बिंदु लगाते हैं, जैसे सांत, चांद, बाघ, ऊंट आदि। विसर्ग आया, विसर्ग में दो बिंदु बताए थे मैंने, इसका उच्चारण हा के रूप में किया जाता है। इसका उच्चारण किसके रूप में किया जाता है? हा के रूप में किया जाता है। जैसे दुख, पुनः, प्रातः आदि। ठीक है, जब दो बिंदी लगती है तो इसका उच्चारण जो होता है ह से होता है, दुह, पुनः, प्रातः, अतः आदि। अब आया भैया मैनो जो तीसरा भाग वर्ण का, वह है व्यंजन। जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, यानी स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उन्हें हम जो है व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु थोड़ी रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। पहले बताया था मैंने वर्ण के बारे में, बताया था क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो ये जो है क वर्ग में पांच अक्षर आते हैं, का खा गा गा गा। च वर्ग में च छ ज ज य। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में ता था द ध न। प वर्ग में प फ व भ म। और इन अक्षरों को कहते हैं अंतस्थ अक्षर, य र ल व, इनको अंतस्थ अक्षर बोलते हैं। और फिर है ऊष्म अक्षर हैं सा 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 ह। इस प्रकार से ये जो अक्षर हो गए, ये आपके सामने 33 अक्षर हो गए, 33 व्यंजन, जिसमें इनको ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग वाले जो अक्षर हैं इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। फिर दूसरा इसमें अंतस्थ व्यंजन, फिर है ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से ये 33 अक्षर होते हैं इसमें। और विषय प्रकार के होता है, फिर होता है संयुक्त अक्षर, वो बाद में उसका के बारे में बताएंगे। व्यंजन के भेद मैंने पहले बताते था अभी, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, मैंने पहले बताया था अभी, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये बताया था स्पर्श व्यंजन ये है, और इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। ऊष्म व्यंजन सा 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 ह। ठीक है भैया बहनों, ये आपने देखा अभी, मैंने ये सब को आपको यहीं पे मैंने आपको ये समझा दिया है। अगला, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में ड ढ हो, दो अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। इन वर्णों का शब्दों के प्रारंभ में कभी प्रयोग नहीं होता। एक होता है संयुक्त व्यंजन, अगला होता है संयुक्त व्यंजन, यानी इसमें आप देखेंगे जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये संयुक्त व्यंजन आपने देखा होगा, क्ष इसको बोलते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, स्र।
भैया बहनों, ये जो व्यंजन है इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। इसमें अक्षर में दो अक्षर हैं, यानी का और स। का और स को मिलाकर के क्ष बना, त्र ता र, ता और र को मिलाकर के ये त्र बना। ज्ञ ज और य, ज और य को मिलाकर के ज्ञ बना। स्र स और र को मिलाकर के स्र बना, ठीक है। और इनसे बनने वाले शब्द ये दिखा है, कक्ष दक्ष पक्ष कक्षा, पत्र छत्र सत्र छात्रा, यज्ञ ज्ञानी विज्ञान अज्ञान, श्रम श्रेय श्रोता मिश्री, ठीक है। अगला भैया बहनों, फिर आते हैं द्वित व्यंजन। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही किसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है, उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। द्वित व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, स्वर रहित यानी उसमें स्वर नहीं होगा। जैसे पत्ता, सच्चा, अन्न, चक्कर, लट्टू आदि। पांचों वर्णों के दूसरे और चौथे वर्ण द्वित व्यंजन नहीं होते। जहाँ द्वित नहीं होता वहाँ संयोग होता है। जैसे च प्लस छ, छ आधा चाहिए, फिर छ इसका शब्द बना दिया हमने मच्छर, आधा च छ र म आधा च छ र, ये वाला जो है मिल गया यहाँ पर। क प्लस ख क्या बोलेंगे, कक कक मक्खन आधे आधे अक्षर जो आते हैं, अखड़ अखड़ उसको बोलते हैं हम अखड़, ठीक है। ये बहनो इस प्रकार से थोड़ा सा और लेते हैं, ये लेसन आपका ही समाप्त हो जाएगा। र वर्ण का प्रयोग संयोग, अर्थात र को हम कितने प्रकार से लिखते हैं, कैसे कैसे इनका प्रयोग होता है, ये भी इसमें बताया गया है। हिंदी भाषा में र व्यंजन वर्ण का संयोग कई प्रकार से किए जाते हैं। जैसे जब र के साथ कोई स्वर नहीं होता, ध्यान से देखिए, जब र के साथ कोई स्वर नहीं होता तो वह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में इसका रूप ऊपर, यानी तो जो मात्रा होती है इकी मात्रा, जैसे इस तरह से ये हो जाता है, इसको हम इसे रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफ, ठीक है। जैसे म प्लस र प्लस म, म प्लस र प्लस म मर्म, ठीक है। ध प्लस र प्लस म धर्म, च प्लस र प्लस म चर्म, स प्लस र प्लस म शर्म, इस प्रकार से इनका उच्चारण होता है। जब र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो तो वह यह उसके नीचे लिखा जाता है। उस स्थिति में इसका रूप ये तिरछा र तिरछा हो जाता है, इसे र पदेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदेन। इसको इस तरह से ये तिरछा जो जो लगाते हैं डंडा, ये इसको पदेन बोलते हैं। जैसे प प्लस र प्र,
प प्लस र, यानी पापा ये तिरछा रा लग गया, प्र हो गया, तो इसका शब्द बन गया प्रण। क प्लस र क्र क्रम, त प्लस र त्र त्राण, ग प्लस र ग्र, इस प्रकार से। अगला जब ये टाय और ड के साथ र मिलाया जाता है तो वह के इस तरह के रूप में प्रयोग होता है, इस तरह, ठीक है, ध्यान में नहीं आ रहा होगा आपके, पढ़ा सुना, ये इस तरह से रूप में, जैसे ट प्लस र ट्र, जैसे ट्रक राष्ट्र, ड प्लस र ड्र ड्रम ड्रेस, ये आपको समझ में आया होगा। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है, नमस्कार।